हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे किचन में। नेपाली दाजु भाई दीदी बहनी तपाईँहरू को स्वागत छ मेरे किचन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पालक चिकन की रेसिपी। पालक मेरे खेत से है और इसीलिए मैंने आज सोचा कि ये रेसिपी बनाऊँ। तो चलिए कैसे बनाते हैं देखिए। आई आउन होस हेर नोस मकसरी बनाऊ देशु पालक चिकन को रेसिपी। तो देखिए दोस्तों, मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे चिकन है। चिकन मैंने आधा किलो लिया है, ये स्किन के साथ चिकन है। हम लोग ज़्यादातर स्किन के साथ वाला चिकन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे गार्डन का पालक है, पालक को मैंने काट के चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हुए हैं, 1 बड़ा प्याज है। तड़के के लिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे साबुत धनिया, मेथी और छोटी थोड़ी सी कलौंजी का मैंने इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पे तड़के का सामान है। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और यहाँ पे मसाले जो मैं यूज करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है और ये चिकन मसाला है और थोड़ा सा नमक है। चिकन मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है। यहाँ पे गार्निश के लिए ये हरा धनिया रखा हुआ है और थोड़ी सी मिर्ची रखी हुई है तड़के के साथ यूज करने के लिए। चलिए कैसे बनाते हैं आइए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करने पहले से रख दिया था, क्योंकि सरसों के तेल को ज़्यादा गरम करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी गरम हो चुका है, तो अब इसमें मैं डालती हूँ ये तड़का। तड़का थोड़ा क्रैक हो जाए, लाल हो जाए, तो उसके साथ उसमें डालेंगे प्याज, मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें डलेंगे ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, और अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाला भून चुका है और मसाले में से तेल निकलने लगा है। इस दौरान आप डालिए टमाटर, और आप टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। तो बीच बीच में आप ढक्कन लगा के और गैस को सिम करके इसको भूनेंगे, तब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। टमाटर के साथ मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी, ये थोड़ा सा टेस्ट को करता है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके और इसको ढक्कन से ढक दें। तो इसको भूनते हुए मुझे लगभग 1.5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, पर अभी भी टमाटर गला नहीं है। तो जब तक टमाटर नहीं गलेगा तो इसको तब तक भूनते रहना है दोस्तों, कि बीच में कच्चा टमाटर रह जाता है और उसका स्वाद अच्छा नहीं आता। तो 1-2 मिनट के लिए और इसको भूनूंगी, उसके बाद इसमें पालक डालूंगी। और पालक डालने के बाद पानी नहीं डालना है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी निकलता है, तो पालक में वो अपने आप पकता रहेगा और इसको ढक्कन लगा के आप पकाएंगे। तो यहाँ पे अब पालक डालने का समय आ गया है। तो उसको देखिए, काफ़ी हद तक टमाटर गल चुका है, और भुनाई जब भून रही हूँ तो इसने तेल भी छोड़ दिया है मसाले में। तो अब मैं इसमें पालक डालूंगी, और पालक
के पानी में ही चिकन भी पक जाएगा, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, चिकन और पालक दोनों इसमें पकेंगे। और पालक डाल के मैं इसको पकाऊंगी। ये दोस्तों अब दाल को तड़का लगाते हुए साबुत मसूर की दाल जो मैंने बनाई है उसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पे घी मैंने पहले से ही गरम करके रख दिया है, घी 1 बड़ा चम्मच है। इसमें अब प्याज डालूंगी मैं, प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। प्याज भून चुका है तो दोस्तों अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच डाल रहा है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्दी मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दाल में ऑलरेडी डाल रखा है। और अब मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ दाल। एक उबाल आने के बाद इसको गार्निश करूंगी। यहाँ पे दाल उबल चुकी है तो अब मैं इसको गार्निश करूंगी अब हरा धनिया से। और उसके बाद हमारा दाल रेडी है। ये है साबुत मसूर की दाल, अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज का तड़का दिया हुआ। देखिए दोस्तों पालक गल चुकी है पर फिर भी अभी इसमें पानी है तो मैं इस पानी को थोड़ा और सुखाऊंगी और उसके बाद हमारा पालक चिकन रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पालक चिकन रेडी है सर्व करने के लिए। मैं आपको प्लेटिंग करके भी दिखाऊंगी कि आज लंच में हमने चिकन और मसूर की दाल के साथ और क्या खाया। तो चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ। दोस्तों मैंने खाना सर्व कर दिया है। ये बनाया हुआ है पालक चिकन, ये मसूर की दाल साबुत मसूर की दाल, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चटनी बना ली है क्योंकि हम चटनी के बगैर खाना नहीं खाते, तो टमाटर पुदीना और हरे धनिया की चटनी है, कुछ सैलड नींबू और मिर्ची है और चावल है। तो चलिए दोस्तों हम इंजॉय करते हैं अपना लंच और आप भी इंजॉय करिए मेरे चैनल को, मेरे रेसिपी को। आगे भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। Thank you for watching. Bye bye.